सतीश जी का जाना, पहली बात तो हमें भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि हम 2-3 दिन से पहले भी हम साथ में थे, होली मनाई हम लोगों ने, और हमारी इंडस्ट्री के लिए, थिएटर इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए और टेलीविज़न इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक घातक, हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे थिएटर एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। शब्द नहीं है हमारे पास सतीश जी की के बारे में बोलने का, बिकॉज इट वॉज टू सून एंड टू अर्ली। इट्स रियली अ शॉक। पूरी इंडस्ट्री सत्ते में, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि खबर सच है कि गलत है, ऐसे कैसे हो गया, कल सुबह ही दिल्ली गए थे और सबके टच में थे। मैंने हाल ही में सतीश जी के साथ एक फिल्म कंप्लीट की जो हमने प्रोड्यूस भी की, सतीश भी उसका प्रोड्यूसर था, लास्ट शो नाम से, अनुपम खेर साहब भी हैं उसमें। तो लगभग 2.5-3 महीने हम साथ में थे सेट पे, तो भरोसा नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे भाई इंडस्ट्री का जो है वो हमारे बीच में नहीं है। घर के नीचे हम खड़े हैं, एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं, परिवार को देख रहे हैं, एकदम सुन है सब, और अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि वो नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डेड बॉडी जो है वो सतीश जी की दिल्ली से बम्बई शाम से पहले आ जाएगी, और वर्सोवा के जो यारी रोड के बिगनिंग में जो क्रिमेशन ग्राउंड है वहाँ पर उनका क्रिमेशन करेंगे लगभग 5:30-6 बजे करीब। तो ग्रेट लॉस, वी हैव नो वर्ड्स टू टॉक अबाउट सतीश जी। पूरी इंडस्ट्री सत्ते में। अशोक जी क्या कहेंगे, लास्ट मुलाकात आपकी कौन सी थी, क्या कुछ आप लोगों ने बातें की थी? सतीश जी तो लगभग रोज़ ही हमारी बात होती थी, रोज़, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि सतीश जी से हमारी बातें होती, फ़ोन पे या मिलना या जुलना, खास करके अनुपम जी के ऑफिस में, अनुपम जी के काफ़ी जिगरी दोस्त रहे, वो हम सब के दोस्त हैं, वो थे सतीश, और शानदार आदमी था वो उसके चेहरे पर कभी एक किस्म का फ्राउन या एक किस्म का कभी दुख कभी दर्द हमने देखा नहीं। वो हर टाइम एक्टिव, प्रोएक्टिव, एकदम जान के साथ हर वक्त एक्टिव रहने की कोशिश करता था वो, और पॉजिटिव बंदा था वो, बहुत ही पॉजिटिव था वो, कभी उसने अपने आप को हताश नहीं पाया, वो कॉन्फिडेंस देता था लोगों को, लोगों को पॉजिटिविटी की बातें करता था, और हर बार जब वो किसी नई फिल्म को करता था या नए प्ले को करता तो ऐसा लगता था कि अभी अभी वो एनएसजी से पास करके दिल्ली से मुंबई आया है और वो अभी परफॉर्म करने वाला है। मेरा वेब सीरीज़ भी उसने किया, चार्जशीट, मेरे शोज़ में भी काफ़ी, हमने साथ काफ़ी काम किया सतीश के साथ। सो इट्स अ ग्रेट लॉस, इट्स रियली अ ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री। आई डोंट नो हाउ द इंडस्ट्री विल फेस दिस ग्रेट लॉस ऑफ सतीश कौशिक। उनके फैमिली भी काफ़ी सत्यम है, उनके वाइफ शशि की छोटी बिटिया, समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि क्या ये अचानक हो गया ये, मतलब रात को जैसी खबर आई तो हम सब परेशान घूम रहे हैं, हम सब बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा मैं 10 मिनट में ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ यहाँ पर, चलो एवरीबॉडी कैन कम। मैं अभी सब ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ।